शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। आज मंडे है, आई होप आज आपका दिन अच्छा गया हो, क्योंकि हर दिन अच्छा ही जाता है। जी हाँ, आज मेरा भी दिन अच्छा ही गया। आज मैं एक अच्छे काम के बारे में बात करने वाली हूँ जो मेरे दोस्त ने किया है इंडिया में। वो है, उसने एक ऑर्फन एज में एक वाटर फिल्टर डोनेट किया, प्लस उन्होंने वहाँ पर जो बच्चे थे उनको भी ऐसे ही थोड़ा सा ट्रीट दिया। तो मैं उसके पिक्चर्स आपको ज़रूर दिखाती हूँ, चलिए देखते हैं। आई होप आपको ये पिक्चर्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको भी ये अच्छे काम में जुड़ना है तो उसके डिटेल्स मैंने डाले हैं, आप वो जुड़ सकते हैं। पर जैसे मैंने पहले भी कहा है, अपने बच्चों को और आप अपने आप को किसी एक अच्छे काम में, एक अच्छे कॉज में ज़रूर जोड़ें। जैसे मैं जुड़ी हूँ फीड माई स्टार्विंग चिल्ड्रेन के लिए, और ये जाता है हैती में जो बच्चे हैं जिनको जिनको एक्चुअली एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं मिलता, उनके लिए ये पैसा जाता है, या फूड पैकिंग भी होती है। तो वहाँ पर हम जुड़े हुए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से। तो आप भी अपने बच्चों को किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से जोड़िए या किसी एक कॉज से जोड़िए बचपन से ही, ताकि उनको एक आदत हो कि हम जितना पाते हैं थोड़ा देना भी सीखना चाहिए। अब दूसरी बात ये कि आज अजहान आया स्कूल से, एंड पता नहीं उसको अच्छा लग रहा था कि नहीं, बट आज ये हो गया कि उसको रात का डिनर खिलाया, और फिर जब हम लोग बस अब उसको सुलाने वाले थे तो उसने पूरी वॉमिट कर दी और पूरा मेरे ऊपर, चारों तरफ बाथरूम में। और तब मैंने सोचा उफ, अब इसको साफ कैसे किया जाए, कहाँ से शुरू करें, क्योंकि कोई एक दीवार नहीं बची थी, कोई एक सामान जितने बाथरूम में है कुछ नहीं बचे थे, सब में वॉमिट लग चुका था, और मैं तो ऐसे ही भीगी हुई थी वॉमिटिंग से। तो मैंने क्या किया, चलो अब ये साफ़ करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने धीरे धीरे एक सेक्शन को पकड़ के साफ़ किया, मुझे टाइम लगा बट मैंने फाइनली कर लिया। बट अजहान इज़ फीलिंग बेटर, आई होप वो कल सुबह भी अच्छा फील करे एंड ही इज़ एबल टू गो टू स्कूल। बट ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, ये इसलिए बता रही हूँ कि हाँ, कभी कभी ऐसे लगता है कि मुश्किल होता है दिन। जैसे मंडे को हम लोग को हमेशा मंडे ब्लूज़ होता है, और हमको लगता है उफ कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल दिन है, कहाँ शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें। सो द बेस्ट वे इज़ टू टेक द फर्स्ट चंक, गेट इट डन, डू द सेकेंड चंक, गेट इट डन। मुझे याद है जब मैं एक कोर्स लिया था मैंने, जब मैं इंडिया में थी एंड जस्ट मैंने अपना 10th पास किया हुआ था, मैंने एक कोर्स लिया था, और वहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था, होल इन द चीज़। तो आपका चीज़ का एक बड़ा सा क्यूब है, और आप सबसे बड़ा होल बनाइए, विच इज़ लाइक सबसे डिफ़िकल्ट काम जो है, पहले उसको सॉल्व कीजिए। जिस आपके दिन का जो सबसे डिफ़िकल्ट काम है, या फिर आपको लगता है कि बहुत टाइम लेने वाला है, उसे पहले ख़त्म कर दीजिए, फिर बाकी काम आसान लगेंगे। तो ये था कुछ मॉरल जो मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे उस वक्त रियली ऐसे फील हो रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म, कहाँ कहाँ कैसे करूँ। पर धीरे धीरे जब मैंने किया तो काम हो गया और मैं भी साफ हो गई। सो एवरीथिंग इज़ गुड वेल एट द एंड। सो हमेशा हर चीज़ अच्छा होता है, और हमेशा कुछ ना कुछ हर चीज़ से सीखते ज़रूर है। एक बात जो मुझे बताना था कि आपने देखा मेरा संडे को पूरा एकदम चीट डे था, मैंने खाया बिरयानी और और बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्ब वाले खाने, फैट्स वाले खाने। तो मैंने आज उसको कैसे कॉम्पेंसेट किया, मैंने खाया ओट्स सुबह, और मैंने दिन को लिया था सैलड, और शाम को भी मैंने मूंग दाल और जो चना का मैं स्प्राउट करके सैलड खाया। सो दैट वॉज माई डाइट टूडे। सो कल जो मैंने ऐड किया उसको आज मैं माइनस कर रही थी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्लस एंड माइनस योर डाइट।
सो ऐसा नहीं है पार्टीज में जाते हैं खा नहीं सकते, आप खा जरूर सकते हैं बट उसे माइनस करना मत भूलिएगा। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो जरूर कमेंट करें। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आपको पता है वीकडे में हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल रहता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शाद लव लाइफ को, और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें फॉर नेक्स्ट डे। सो अल्लाह हाफिज, शब खैर, नमस्ते, नमस्कार एंड चाओ।